दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभी तक अगर आपका किसी कारणवश जो इनकम टैक्स का रिफंड है वो क्रेडिट नहीं हुआ है तो उसके लिए हम क्या क्या तरीका यूज कर सकते हैं जिनके द्वारा जो है आपका रिफंड जल्दी से जल्दी जो है आपको क्रेडिट हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं हर स्टेप बाई स्टेप हर जो तरीका है इनकम टैक्स रिफंड आने का उसके ऊपर हम कम्प्लीट जो है विस्तारपूर्वक डिस्कस करेंगे। तो अगर आपका भी अभी तक रिफंड नहीं आया है तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। वह वीडियो में बताए हुए प्रोसीजर को फॉलो करते हुए आप भी जो है अपना जल्दी से जल्दी जो है रिफंड मंगवाएं। तो इसके लिए आप बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल टेक यादव के साथ। अगर दोस्तों आपका अभी तक जो रिफंड नहीं आया है तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि चेक फाइल ITR स्टेटस, यानी आपने जो ITR फाइल किया था उस फाइल का स्टेटस को आपको सबसे पहले चेक करना है कि कहीं वो फेल तो नहीं हो गया हो। अगर आपका फेल हो गया हो तो भी आपका ITR नहीं आ पाता, किसी कारणवश मान लो फेल हो गया हो तो आपको जो है दोबारा उसको फाइल करना है। दूसरा है चेक योर बैंक अकाउंट वैलिडेट स्टेटस, जो आपको जो है बैंक अकाउंट आपके इनकम टैक्स पोर्टल को ओपन करके और वहाँ पर जो आपका बैंक का वैलिडेट स्टेटस है वो आपको चेक करना है कि ब्लू टिक जो है शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कई बार हमारा बैंक अकाउंट भी फेल हो जाता है तो उस कारण जो है हमारे को रिफंड नहीं मिल पाता है। तीसरा है चेक एनी पेंडिंग क्यूरी ऑन पोर्टल, तो आपको पोर्टल के ऊपर जो है इनकम टैक्स का पोर्टल है उसको ओपन करना है और ओपन करने के बाद वहाँ पर एक वर्क लिस्ट का ऑप्शन आएगा, उसमें जाके आपको कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी कोई क्यूरी जो है उसमें पेंडिंग पड़ी हो। अगर आपकी कोई क्यूरी पेंडिंग है तो इसके कारण भी आपका जो है इनकम टैक्स का रिफंड नहीं आ पाएगा। चौथा है चेक ITR इंटीमेशन मेल, तो आपको जो है ITR इंटीमेशन का मेल भी जो है आपको चेक कर लेना है कि मेरा ITR इंटीमेशन का मेल जो है कब आया था और उस ITR इंटीमेशन के मेल में मेरा जो है कितना रिफंड जो है शो कर रहा हो। कई बार क्या होता है कि ITR इंटीमेशन के मेल में भी जो है हमारा रिफंड नहीं आ पाता है, यानी रिफंड हमारा जो है उधर से कैलकुलेट होता है तो उसमें शो नहीं करता है। हम सोचते हैं कि अभी तक रिफंड जो है क्यों नहीं आ रहा है, तो जो ITR इंटीमेशन का मेल है मेल में हमारी कंप्लीट जो है समरी आएगी, उसमें हमारा कितना रिफंड बन रहा है, क्या बन रहा है, कितना जो रिफंड पर इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा उसमें शो कर देगा। पांचवा है चेक ITR स्टेटस ऑन टिन NSTL वेबसाइट, जो आपको टिन NSTL की वेबसाइट को ओपन करके और अपनी ITR का स्टेटस वहां पर चेक कर लेना है कि ITR आपका AO ने रोक रखा है, बैंक ने रोक रखा है, या अगर अभी तक क्रेडिट नहीं हो पा रहा है तो उसका वहां पर टिन NSTL की वेबसाइट पर क्या स्टेटस जो है शो कर रहा है। इसके बाद में सबमिट ग्रेवेंस टू CPC ITR, अगर ये ऊपर वाले जो मैंने बताए हैं पूरे के पूरे ये सही है तो आपको जो है एक ग्रीवेंस सबमिट कर देनी है CPC ITR को, जो है आपको ग्रीवेंस सबमिट कर देनी है। इसके बाद में सबमिट ग्रीवेंस टू AO असेसिंग ऑफिसर, अगर आपका AO ने आपकी फाइल को अभी तक प्रोसेसिंग नहीं किया है तो आपको जो ग्रीवेंस जो आपका AO है असेसिंग ऑफिसर है आपका, क्योंकि असेसिंग ऑफिसर ही हमारी जो ITR कोई फाइल को जो है चेक करके और उसको अप्रूवल प्रोवाइड करता है, तो आपको AO को भी इसके लिए ग्रीवेंस डाल देनी है। इसके बाद में दोस्तों सेंड ईमेल टू AO असेसिंग ऑफिसर, आपको जो है AO को अपने AO को जो है ईमेल भी कर देना है, AO को हमारे को ईमेल ID जो निकाल लेना है इनकम टैक्स पोर्टल से और जो है AO को एक ईमेल भी आपको सेंड कर देना है। कॉन्टेक्ट AO असेसिंग ऑफिसर ऑन टोल फ्री नंबर, तो आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर AO का ईमेल भी मिल जाएगा और उसके कॉन्टेक्ट जो है नंबर भी मिल जाते हैं, किसी किसी के नहीं भी मिल पाते हैं परंतु आपको ट्राई करना है कि आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर अगर शो कर रहे हैं तो आपको जो है कॉन्टेक्ट नंबर पर और ईमेल द्वारा अपने AO से ईमेल भेज देना है और कॉन्टेक्ट नंबर जो नंबर मिलते हैं उस पर आपके AO से जो है बात भी कर लेनी है। सबमिट ग्रीवेंस टू SBI बैंक, तो अगर बैंक में हमारा रिफंड जो आ गया है और बैंक ने हमारा किसी कारणवश रिफंड को रोक रखा है तो आपको एक बैंक को भी जो है ग्रीवेंस डाल देनी है। सेंड ईमेल टू SBI बैंक, आपको बैंक को ईमेल भी कर देना है। कॉन्टेक्ट SBI बैंक ऑन टोल फ्री नंबर, तो आपको जो है टिन NSTL की वेबसाइट पर ये सब चीज़ें मिल जाएगी, आपकी SBI बैंक का ईमेल भी मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, टोल फ्री जो नंबर मिलेगा वहाँ नंबर से आपको कॉल करके और SBI बैंक में आपको बात कर लेनी है कि मेरा रिफंड जो है इनकम टैक्स ने तो डिपार्टमेंट ने तो जो है SBI बैंक में क्रेडिट कर दिया है परंतु बैंक जो है मेरे खाते में जो है
रिफंड को क्यों नहीं क्रेडिट कर पा रहा है, तो आपको ये भी चीज़ कर लेनी है। लाइव चैट विद इनकम टैक्स ऑफिसर, तो लाइव चैट का भी जो इनकम टैक्स पोर्टल पर एक ऑप्शन है, वहाँ जाके आपको इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के अफसर से बात भी कर लेनी है, लाइव चैट कर लेनी है। कॉल इनकम टैक्स कस्टमर केयर, और जो इनकम टैक्स के कस्टमर केयर के नंबर है उसके ऊपर भी आपको कॉल कर लेनी है, वहाँ भी कॉल करके भी आपको पता कर लेना है कि मेरा रिफंड जो है अभी तक क्यों नहीं क्रेडिट हो पा रहा है। तो दोस्तों, ये था स्टेप जिनको फॉलो करते हुए हम जल्दी से जल्दी जो है रिफंड अपना जो है अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं। तो अगर आपका रिफंड नहीं आया है, तो जो मैंने प्रोसीजर बताया है, जो स्टेप बताया है, इनको फॉलो कीजिए और जो है अपना रिफंड जल्दी से जल्दी मंगवाइए। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे, मेरे से जितना हो सके मैं पूरी हेल्प करूंगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, वह मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन। थैंक